हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोटोरोला मोबाइल में कॉल नॉट सेंड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इस प्रॉब्लम को 100% ठीक करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या ऐप नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो गाइस, आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप नाम का सेटिंग मिलेगा या ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग होकर सभी ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो कुछ सेकंड तक वेट करना है। देखिए, जैसे ही आ जाएंगे ऊपर की साइड आपको 2 या 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको शो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सभी ऐप आ जाएंगे। अब आपको सर्च बॉक्स में क्लिक करके लिखना है फ़ोन। जैसे ही फ़ोन लिखेंगे आ जाएंगे फ़ोन नाम से ऐप्स। आपको सभी पे बारी बारी से क्लिक करना है। फिर आपको स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से क्लियर डेटा और ओके कर देना है। फिर बैक आना है, फिर दूसरे वाले पर क्लिक करना है, इसे भी क्लियर डेटा कर देना है। इसी प्रकार तीसरे वाले पर क्लिक करना है, इसे भी कर देना है क्लियर डेटा। और फिर गाइस, जितने भी रहेंगे सभी को यहाँ से आप कर देना। फिर आपको देखिए बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से सर्च बार में क्लिक करके लिखना है कॉल। जैसे कॉल लिखेंगे तो कॉल मैनेजमेंट या फिर इस नेम से आ जाएंगे कुछ ऑप्शन। फिर आपको इस पर क्लिक करना है, स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है, और इन्हें भी क्लियर डेटा कर देना है आपको। क्लियर डेटा करने के बाद देखिए इसे भी कर देते हैं, आखिरी ये बचा है। आपके फ़ोन में जितने हों सभी को क्लियर डेटा कर देना, फिर बैक आना है। अब गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे ऐप, तो यहाँ पर ऐप लिस्ट देखिए या ऐप मैनेजमेंट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप चेक कर लेना। यहाँ से भी आप सभी ऐप के यहाँ आ सकते हैं। फिर गाइस, बैक आना है अपने मोबाइल को, एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है या रिबूट या रिस्टार्ट कर लेना है। फिर गाइस, 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर आप जब भी कॉल करेंगे तो यहाँ पर। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।